सर्कल के बीच में खड़े हैं, उनसे निवेदन है कि आप अपने स्थान पर बैठ जाएं, बीच में कोई नहीं खड़े रहे हैं। आग के पास कोई ना खड़ा रहे। वो भाई चिनू भाई के पीछे जितने भी ग्रुप में भाई कृपया सभी शांत रहिए। दादी जी बोलने वाले। आप बाबा भी उनको उसी पुण्य का महान भाग्य देता। घर में चले गए तो ये गीत भी जो है, अब घर जाना है, अब घर चलना है, ये संदेश हरे के लिए निमित्त आत्मा देती है। तो आज मैं देख रही हूँ कि हमारे जगदीश भाई आत्मा की कितना पुण्य कमाया है, जो आज सारे देश विदेश का इतना परिवार आपको शुभकामनाएं कहो, जिसको कहते शुभ श्रद्धांजलि देने पहुंचे हैं। आप सभी भी उसी निमित्त अभी एक मिनट शांति में रहेंगे, उसके बाद हमें संस्कार शुरू करना है। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। दादी बोलेंगे नहीं, दादी भोग, दादी गुरुद्वार तो पीछे भोग लगाएंगे। ओम शांति। और अभी फिर जिनको एक एक करके बुलाएंगे, आप चंदन की लगा करके पीछे हटेंगे। ये बड़ी वाली ऊपर अभी केवल दादी जी, गुलजार दादी, रसा मोहन दादी, मोहिनी बहन, दिव्य भाई, रवि कलधारी बहन, साधना बहन आ गए हैं। बाकी सभी रुके, फिर एक एक करके बुलाएंगे। जैसे ही आप चंदन की लकड़ी देके पीछे हटेंगे, फिर एक एक करके बुलाएंगे, आप देख करके ही बढ़ेंगे। दिल्ली में तो उससे ऐसी लगा देते हैं, साइड से ऊपर से गोली रखते करके। अभी सभी रुके रहे, सबको बुलाएंगे, आगे कोई भी बढ़ेगा। टीचर्स बहनों से भी हमारा निवेदन, सब बैठ जाएं, जो जहाँ खड़े हैं बैठ जाइए, ताकि सब
हर एक को बुलाएंगे, कोई रश नहीं करे पहले। आप उधर चले जाओ, इधर से इधर लकड़ी आ रही है, आप वहां से इधर से। जिनका नाम अनाउंस करेंगे कृपया वही आएंगे, और बाकी सभी से अनुरोध है जहां खड़े हैं कृपया बैठ जाए। कंपाउंड के अंदर भी जो खड़े हैं कृपया बैठ जाइए, ताकि पीछे वालों को दिखाई दे। जेपी भाई थोड़ा सा जेपी थोड़ा सा मेरे तरफ। रमेश भाई जेपी भाई थोड़ा सा काम करने वाला कैसे पीछे हो ऐसे हो थोड़ा सा नीचे हो ऐसा। जेपी भाई क्या है, हाँ उधर चले जाओ, ये ठीक है उधर चले जाओ। लंदन की तरफ से मॉरिन बैंड, हाँ बस बस ठीक है। लाइन में मॉरिन बैंड, डॉक्टर लेबर्ट, सुदेश बैंड। लाइन में चप्पल उतार के आगे जाएंगे भाई साहब। मॉरिशस की मीला बहन, वेदांती बहन, दीप्ति बहन और ज्योति बहन, जिनका हो गया चंदन का चुनरी, जिन्होंने चंदन की लकड़ी चल रही है, जिनके नाम लिए वो आ जाए। उसके बाद अमित चंद भाई, महेंद्र भाई, योगेश, गोपाल भाई, योगेश योगेश को दे, उधर जाओ भाई साहब के पास। डॉक्टर ओम प्रकाश भाई, महेंद्र भाई, अमित चंद भाई, जिन्होंने कर लिया वो आ जाए। ओम प्रकाश भाई, आत्म प्रकाश भाई, शांति बनवाले, अचल बैन, मोरिन, मोरिन को दो, सुंदर लाली, कुंज बैन भैया इधर आ जाओ, मैं राइट हैंड साइड में आ जाओ सबके पास। रुक्मणी दादी, करुणा भाई, ऋतुजय भाई, राज बहन नेपाल से, और कौन है, चंद्रार दादा, विश्वरंजन दादा, डॉक्टर एम टी गुप्ता, दादा विश्वरंजन दादा गुजरात, भाई किधर भी डाले ना, अभी सब इधर ही नहीं, हाँ उधर दो दो तीन एक साथ। जिन्होंने चंदन की लकड़ी कर ली है, कर ली है वो चलते जाए। आत्म प्रकाश भाई, शांति बहन, शुक्ला बहन, जमन सुंदरी, शंकर कमल मणिदी, आरती बहन, गीता बहन से रिपोर्ट, आरती बहन, सुरेंद्र बहन, शांति बहन, चंद्रिका बहन, भारती बहन और दमयंती बहन, सतीश बहन, राज बहन नेपाल, दिव्या बहन, एक और देना,
जिन्होंने डाल दी है ना अभी चंदन के हार जिन्होंने कर लिया है चंदन की लकड़ी बना रही है आशा बहन रमेश पाल बाबू जी का शक्तिनगर की टीचर्स पहने अभी शक्तिनगर की पहले टीचर्स पहने आए माताओं को बाद में बुलाते हैं पहले शक्तिनगर की टीचर्स पहने आएगी बीजापुर की तीनों अच्छा वो उस तरफ की तरफ जाएंगे आगे नहीं सिर की तरफ नहीं उधर शिष्य का भाई खड़े वहाँ जाए उधर जाओ ना इधर भाई साहब ओ भाई साहब आपका फोटो भी आपका वीडियो भी आएगा राइट हाँ ठीक हो गया पीछे जमुना प्रसाद भाई जमुना प्रसाद भाई धीरे धीरे डॉक्टर सतीश गुप्ता विनोद भाई छत्रपाल भाई आइए ओम प्रकाश जी ये डुबो के दे सुरेश ये गांस भोपाल अच्छा सुरेश भाई चलो जो हो गया घर जाओ लेट नहीं करवा के ये डाला है श्रीमत भाई मधुकर महेश भाई ज्ञान सरोवर मदन भाई वल्लभ भाई बाबा राम भाई श्रीमत भाई राजेश भाई टाइप करने वाले लता बेन अच्छा अभी ओम शांति बस अभी है तो जाओ जा जा भाई अब एक मिनट एक मिनट जिनका अनाउंस किया है अब आज जल्दी आओ अच्छा अभी अनाउंस करो अभी बस सभी खड़े हो जाए साइलेंस में रहे
सब पीछे थोड़ी सब खड़े गए दादी जी अग्नि प्रदान कर रही है अभी नहीं लगा रुको भैया ओम शांति ओम शांति में सभी बोले नीलू पीछे ले जाओ पुरुषोत्तम भाई थोड़ा सा नीचे दे दिया जी जगन भाई गोविंद भाई ढक्कन गोविंद भाई गोविंद भाई करेगा दो मिनट बाबा को याद करेंगे और 5 मिनट बाबा को याद करके फिर जाएंगे
ओम शांति। सदा की रीत परमान बाबा के पास पहुंची, तो बाबा कुछ टाइम मुझे दिखाई नहीं दिए, मैं खड़ी थी तो थोड़े ही समय में बाबा हमारे जगदीश भाई को साथ लेके और आए। तो मैंने कहा, बाबा आप कहाँ गए थे? तो बाबा ने कहा कि मैं बच्चे को सैर करा रहा था, तो मैंने कहा, बाबा कहाँ का सैर करा रहे थे? बाबा ने कहा कि इस बच्चे की दिल थी तो मैं जैसे आप वतन में बैठ कर के सब सेंटर्स का सैर करते हैं बच्चों से मिलन भी मनाते हैं, तो अभी मैं भी शरीर के बंधन से तो मुक्त हूँ, तो मैं भी ये सैर करने चाहता हूँ। आप बहुत जल्दी से जल्दी सैर कैसे करते हैं? तो बाबा ने कहा, पहले तो बच्चे को मैंने मधुबन की सीन दिखाई, तो कैसे सब भाई बहन आ रहे, वो सीन दिखाने के बाद फिर इसने कहा, अभी क्या हो रहा है मधुबन में? तो बाबा ने कहा, मैंने सुना है अभी तो आपके शरीर के अंतिम संस्कार हो रहे हैं। तो कहा, बाबा आप कैसे देखते हो सब यहाँ वतन में बैठे? तो बाबा ने कहा, ये तो सेकंड का काम है, मैं संकल्प करता हूँ तो संकल्प क्या, जैसे आप स्विच खोलते हो ना टीवी का या रेडियो का या जो भी कोई साधन है, तो जैसे आप स्विच ऑन करते हो ऐसे मैं संकल्प ही करता हूँ, ये संकल्प ही मेरा स्विच है। तो आपको स्विच खोलने में कितना टाइम लगता है? मैंने कहा, वो तो सेकंड से भी कम लगता है।
तो बाबा ने कहा बस संकल्प से मन के गति से कितने में पहुंच सकते हो। बाबा ने कहा कि बच्चे ने कहा बाबा मैं भी देख सकता हूं। बाबा ने कहा आप भी संकल्प का स्विच ऑन करो क्योंकि अभी तो आप वतन में हो और वतन में फरिश्ते रूप में हो तो फरिश्ते रूप में तो आपके पास इस समय सब शक्तियां इमर्ज है। आप किस भी शक्ति का स्विच ऑन करो तो वो शक्ति आपको अनुभव करेंगे। बाबा ने तो जगदीश भाई ने बाबा को कहा कि बाबा आप भी देखेंगे या मैं ही सिर्फ देखूंगा। तो बाबा ने कहा मेरे को देखने में तो क्या है, तुम देखो कैसे होता है। तो बाबा ने उसको ये सीन दिखाई। तो कहा बाबा यहां बैठ के तो बहुत अच्छा दिखाई देता है, सब दिखाई देता है, वहां तो कोशिश करनी पड़ती है भाई यहां देखे यहां नहीं दिखाई देते तो यहां कांत करें वहां कांत करें, और ये तो बहुत स्पष्ट दिखाई देता है। बाबा ने कहा यही तो वतन की सूक्ष्म वतन की कमाल, फिर बाबा को कहा बाबा ये तो सारी सभा बहुत सजी हुई है। तो बाबा ने कहा देखो ये है सेवा और गुप्त स्नेह का रेस्पा। तो देखो कितने सब आए हैं। कहा इतने टीचर्स बाबा अपना सेंटर छोड़ के आ गई है। तो बाबा ने कहा देखो सभी एवर रेडी का पाठ पक्का करके आई है। बाबा ने या दादी ने ड्रामा ने बुलाया और देखो सब एवर रेडी होके आ गए हैं। किसने सोचा ही नहीं सेंटर क्या होगा, कैसे जाएंगे, ट्रेन मिलेंगी नहीं मिलेंगी। तो एवर रेडी का प्रैक्टिकल पाठ बच्चों ने दिखाया, चाहे किसके भी निमित्त दिखाया, लेकिन बाबा कह रहे थे तो ये है एवर रेडी का प्रैक्टिकल पाठ भजन। इसलिए बाबा भी बच्चों को बहुत बहुत मुबारक भी देते हैं। अब जगदीश जी चुप बैठे थे, अब बाबा ही बोल रहे थे तो बाबा ऐसे एवर रेडी बच्चों को बहुत बहुत मुबारक देते हैं और बाबा आगे के लिए भी बच्चों को ये पाठ पढ़ा रहा है कि सदा हर कार्य में
जैसे अभी आपको बुलावा हुआ तो आप मधुबन में पहुंच गए। तो बाबा का या स्नेह का रिस्पॉन्स दिया, बाबा का कहो या बाबा के रूप में दादी निमित्त है तो समझो बाबा का ही इशारा मिलने से प्रैक्टिकल में किया। तो बाबा ने कहा ऐसे कह के, फिर बाबा बहुत मुस्कुराने लगे। मैंने कहा बाबा आप बहुत मीठा मुस्कुरा रहे हो और जैसे कोई राज है आपके मुस्कुराने में। तो अभी बात तो वो चल रही थी तो बाबा बहुत एक सेकंड के लिए बहुत राज युक्त मीठा मुस्कुरा रहे थे। मैंने कहा बाबा क्या बात है? कहा बाबा इसीलिए मुस्कुरा रहा है कि जैसे मधुबन में पहुंच गए वैसे अगर बाबा कहे कि बच्चे एक सेकंड में संस्कार को बिल्कुल आग में जला दो, भस्म कर दो, जो अंश मात्र भी नहीं रहे, तो क्या इसमें एवर रेडी होंगे बच्चे? इसलिए मैं सभी बच्चों को देख करके मुस्कुरा रहा हूं तो इस बात में तो पास हो गए, तो क्या इस बात में भी पास हो जाएंगे? मैंने कहा बाबा वो रिजल्ट तो आप जानो, हम लोग तो नहीं जान सकते। बाबा ने कहा बाबा को ड्रामा अनुसार बच्चों में भी निश्चय है, बच्चों को बाबा में निश्चय। तो बाबा को भी बच्चों में निश्चय है और निश्चय के साथ बाबा से सब बच्चों को दिल से प्यार है। कभी कोई बातें आती है तो प्यार कम हो जाए वो दूसरी बात है, लेकिन दिल से बाबा से प्यार सभी बच्चों का। तो इसीलिए निश्चय और प्यार दोनों ही बल है बच्चों में। तो जहां निश्चय है वहां बाबा ने कहा विजय होती है और जहां प्यार होता है वहां कुर्बानी होती है। तो बच्चों में मेजॉरिटी में प्यार कोई परसेंटेज में नहीं है, फुल प्यार है। पुरुषार्थ में परसेंटेज है लेकिन प्यार में परसेंटेज मेजॉरिटी का नहीं। तो प्यार में कुर्बानी करने में क्या देरी करेंगे बच्चे? इसीलिए बाबा को निश्चय है कि बाबा ने अभी जैसे पेपर लिया वैसे फिर अभी फाइनल पेपर लेंगे तो सब पास हो जाएंगे। हो जाएंगे भाई? बाबा ने कहा वो भी टाइम आएगा जो अभी बाबा ने 75% कहा। तो बाबा ने कहा टोटल रिजल्ट में बाबा ने देखा कि परिवर्तन का लक्ष्य सभी ने रखा है, मेजॉरिटी ने लक्ष्य रखा है।
लेकिन लक्षण में परसेंटेज, लक्ष्य सभी को रहा है कि हम बाबा को रिस्पॉन्ड दें, और सभी तरफ की रिजल्ट में बाबा ने कहा अटेंशन रहा है, लेकिन टेंशन फ्री हो जाए अब वो पेपर होना है। तो बाबा ने कहा फिर भी बच्चों ने लक्ष्य को अंडरलाइन किया है, लेकिन ऐसे ही लक्षण को भी बाबा ने कहा, डबल बाबा नहीं कहता है लेकिन 100% अंडरलाइन करें। तो क्या नहीं हो सकता है? तो बाबा ने जगदीश जी को कहा आप क्या समझते हो, वो भी तो बैठे थे ना। तो वो कहने लगे बाबा होना तो है। बाबा ने कहा मैं ये सोचता हूं कि कल्प कल्प मेरे यही बच्चे ही तो पास हुए हैं ना, और तो कोई आने वाले है वो तो दूसरी बात है, लेकिन यही बच्चे मेरे कल्प कल्प के पास होने वाले हैं, हुए हैं और होने वाले हैं, तो क्यों नहीं हो सकता है? होना ही। तो जगदीश भाई ने कहा बाबा मेरी तो यही आशिक रह गई, हमने सोचा था कि हम संगठित रूप में ऐसे अभी पुरुषार्थ कराए एक दो को जो सब परसेंटेज में बाबा के जो बाबा चाहते हैं उस रीति से। तो बाबा ने कहा चलो तुम तो 11 के बजाय 12 तारीख आ गए। तो अच्छा है मुक्ति तो मिल गई, शरीर से मुक्ति तो मिल गई और संस्कार से भी तो मुक्ति मिल गई, पुराने संस्कारों से। अभी तो नया होगा और नए संस्कार होंगे। तो मैंने कहा बाबा ये आया तो सही 11 के बजाय, चलो 12 में ही आ गया, लेकिन तकलीफ क्यों सहन होती है? तकलीफ तो इसको थी। तो बाबा ने कहा कि बच्ची नहीं, मैंने जगदीश जी की तरफ आंखें की, मैंने कहा देखे ये क्या कहता है। तो वो तो चुप रहा, लेकिन बाबा ने कहा कि इस बच्चे की एक आश थी काफी समय से, तो बाबा मुझे धर्मराजपुरी में नहीं भेजना, यहां भले मुझे कर्म भोग चुकतू कराना, एक इनकी ये आशा थी और दूसरी इसकी थी मेरा मृत्यु बहुत सहज, इसीलिए इसको तकलीफ हुई है, क्योंकि इसने गलती यही की कि सिंगल नारेजपुर बना, जो पहले भी बाबा ने संदेश में सुनाया था ना,
तो डबल नॉलेज फुल है, शरीर का भी नॉलेज हो और सेवा की तरफ आत्मा का सेवा का फर्ज है वो भी ध्यान में पूरा हो। लेकिन ये सिंगल नॉलेज फुल बना, डबल नॉलेज फुल बनने का बैलेंस नहीं रख सका, इसलिए बीमारी बढ़ गई। अब बीमारी बढ़ गई तो एक बीमारी जो वन सिंगल नॉलेज फुल बना तो ये भी गलती तो हुई ना, अटेंशन कम रखा ना, तो उसका भी परिणाम था। और इसकी जो इच्छा थी मैं धर्मराजपुरी में नहीं जाऊं, यहां ही मुझे भले कितनी भी सजा दिखा दे दो, तो तकलीफ तो हुई है। लेकिन मृत्यु सहज हुआ ये इसके सेवा का पुण्य। तो एक तरफ इसके जो सिंगल नॉलेज फुल रहा उसका भी कारण था ये तकलीफ का, और दूसरा पर बाबा ने कहा उनका संकल्प भी था, और जो सेवा की उसका पुण्य इनको ये मिला कि इनको फिर जगदीश जी खुद बोलने लगे, कहा मुझे तो पता ही नहीं था कि मैं कोई शरीर छोड़ रहा हूँ, मैंने तो एक सेकंड में देखा कि मैं वतन में पहुंच गया, मुझे तो खुशी ही, मैंने समझा मैं ट्रांस में आ गया, क्योंकि मेरी ये भी इच्छा थी कि मैं एक बारी ट्रांस में जरूर जाऊं वतन में। तो मैंने ये नहीं समझा कि मैं शरीर चोरा है, लेकिन मैंने ये समझा कि मैं ट्रांस में ये वतन में पहुंच गया हूँ। और हमने भी देखा कि शरीर छोड़ने की जो इसकी विधि थी वो बहुत सेकंड की भी थी और बहुत सहज थी, जितनी तकलीफ थी ना उस हिसाब से तो जैसे ये दूसरा जगदीश था शरीर छोड़ने वाला। तो बाबा ने ये सुनाया तो जगदीश जी ने भी कहा मुझे पता नहीं पड़ा कि मैं शरीर छोड़ रहा हूँ, और लगा हम लोगों को भी कोई मृत्यु के चिन्ह नहीं दिखाई दी, हम लोगों ने तो समझा शायद ये गुम हो रहा है। लेकिन चला गया और इजी चला गया। उसके बाद फिर मैंने कहा कि बाबा सभी भाई बहने जो आए हैं वो सब ने बहुत बहुत याद दी है, और दादी ने तो संदेश दिया था कि इतने सब भाई बहन आए तो बाबा आ जाए, संदेश दिया था। तो बाबा ने कहा, मुस्कुराया, मुस्कुरा के हाँ ना नहीं की, चालाक चतुर से जाने ना बाबा ना तो करेंगे ही नहीं ना। फिर कहा बच्ची तुम जगदीश भाई से पूछा नहीं क्या किया? मैंने कहा वो तो मैं पूछती हूँ। तो बाबा ने ऐसे ही बात को चला लिया, और जगदीश भाई ने कहा बाबा ने मुझे कहा है जो भी तुमको करना है ना, चाहे अमेरिका देखना है, चाहे वो स्पेस देखनी है, चाहे जो भी तुम्हारी इच्छाएं हो ना, रॉकेट देखनी है या जो भी कुछ देखना है, सैर करना है,
परम धाम का सैर करना है या सेंटर्स का, कैसे बाबा सैर करता है, वो जो भी आपकी दिल हो वो इन दिनों में आप पूरी कर दो, फिर तो आपको पाठ बजाना पड़ेगा। तो मैंने कहा बाबा आप सभी धीरे धीरे आप सब एडवांस पार्टी में एडवांस में ले रहे हो, इसका मतलब क्या है, यहाँ भी तो चाहिए ना। तो बाबा ने कहा क्यों तुमको डर लगता है क्या? मैंने कहा डर तो नहीं लगता है, मैं तो वतन में आ जाऊंगी, मुझे क्या है। लेकिन आप नंबर वाले के को ले जा रहे हो, तो बाबा ने कहा एडवांस पार्टी में सब प्रकार की आत्माएं चाहिए। अभी एडवांस पार्टी को प्लानिंग बुद्धि में फोर्स आएगा, इसीलिए सब प्रकार के एडवांस पार्टी में चाहिए। तो बाबा ने कहा आप लिस्ट निकालना एडवांस पार्टी में, यानी जो मतलब यज्ञ में सेवा करते करते जिन्होंने भी शरीर छोड़ा है, तो उसमें सब प्रकार के हैं, लिस्ट निकालेंगे ना, तो सब प्रकार के मैंने इकट्ठे किए हैं स्थापना के लिए। मैंने कहा यहाँ कमी हो रही है सेवा में और आप वहाँ इकट्ठे कर रहे हो। तो बाबा ने कहा आप लोगों के लिए कर रहा हूँ ना, आप लोगों को क्या योग बल का जन्म नहीं लेना है, यहीं बैठना है, तो आपके लिए ही तैयारी करा रहा हूँ ना। तो आपको अगर यहाँ ही रहना है काफी समय, तो मैं एडवांस पार्टी कम कर दूँ। मैंने कहा वो तो रहना तो कोई भी नहीं चाहेगा, ड्रामा में होगा तो रहना चाहे तो भी नहीं रहेंगे बाबा, आप रहने देंगे? तो बाबा मुस्करा रहा था, बाबा ने कहा ड्रामा की भावी बनी हुई जो है वो बाबा भी बदल नहीं सकता, इसलिए बची एडवांस पार्टी एडवांस में काम कर रही हैं और आप अपने संस्कार परिवर्तन का एडवांटेज उठाओ। वो एडवांस में जा रहे हैं, अब एडवांटेज उठाओ जो बाबा ऑर्डर करे, फुल परिवर्तन। मैंने कहा बाबा फुल परिवर्तन कैसे होगा? कहा वो तो मैं भी समझता हूँ कि ब्रह्मा बाबा जितना संपूर्ण तो नंबर वन हो जाएंगे ना, होंगे तो नंबर वार, लेकिन अपने नंबर वार के हिसाब से भी संपूर्ण तो बने। तो ऑर्डर मैं करूं, बस संस्कार परिवर्तन का, तो एक सेकंड में एवर रेडी हो जाए, नंबर वारी हो। अभी इसका एडवांटेज लेना, ऐसे करके फिर मैंने सभी की जगदीश भाई को भी याद दी। तो जगदीश भाई ने कहा मेरी तो खास मेरे साथी पांडवों को, साथी सभी है एक दो नहीं है, और हमारी विशेष टीचर्स को खास याद देना जो
इतना जल्दी मेरे प्रित पहुंच गई है, नाम मेरा है लेकिन पहुंचे तो प्यार में बाबा। फिर बाबा टीचर्स के प्रति बाबा को कहा, बाबा इन्हों को आप भी बहुत बहुत याद प्यार दियो ना। तो बाबा ने कहा मेरी तो याद प्यार है ही, और मैं आज अमृत वेले जो भी बिल्कुल पावरफुल योग में बैठेंगे उन सभी बच्चों को विशेष कोई ना कोई शक्ति का गिफ्ट दूंगा। तो बाबा ने जगदीश भाई ने कहा बाबा ये हमारे तरफ से भी कह दो ना गिफ्ट है। तो बाबा ने कहा देगा तो बाबा ने, तो ये बाबा ने सभी के लिए, सिर्फ टीचर्स के लिए नहीं, निमित्त तो टीचर्स का ही उसको ज़्यादा था, लेकिन सभी के लिए बाबा ने कहा आज अमृत वेले विशेष अनुभव करना, थके हुए भी हो तो भी खास अटेंशन दे के कोई ना कोई शक्ति की अनुभूति कर। बाबा की मदद, हिम्मत बच्चों की, मदद बाबा की एक्स्ट्रा होंगी। फिर जगदीश भाई ने खास हॉस्पिटल वालों को बहुत याद किया, कहा हॉस्पिटल वालों ने सभी ने जो सेवा की ना वो भूलने वाली नहीं। और हमारी क्या नाम मुझे बोल चक्रधरी आपके साथ साधना, और भाई जो है योगेश का, इन तीनों को भी मेरे तरफ से बहुत 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 शुक्रिया कहना कि आप सब ने। फिर खास जगदीश जी ने लास्ट में, मैं बाबा से छुट्टी ले रही थी तो निर्वैर भाई को याद किया, कहा निर्वैर भाई ने मेरी बहुत तोड़ निभाई और बहुत दिल से मेरी सेवा की। तो निर्वैर भाई को खास याद किया। और डॉक्टर्स, हॉस्पिटल की नर्सेस और डॉक्टर्स को भी याद किया। फिर कहा निर्वैर भाई को तो मैंने याद दी, लेकिन दादी ने मेरी बहुत सेवा की, कहा रोज आती थी इतना काम होते हुए, रोज मेरे पास ओम शांति करने जरूर आते थे, और लास्ट में भी मेरे को छोड़ा नहीं, ओम शांति करके ही गई। तो दादी ने बड़ी दिल से मेरी जैसे दुआएं दी, सेवा क्या कहूँ लेकिन दुआएं दी, इसीलिए दादी को भी, निर्भय भाई को भी खास याद किया, दादी जी को भी। तो ये था। फिर बाबा ने कहा अच्छा अभी तो बहुत टाइम हो गया तुमको, सभी नीचे इंतजार कर रहे होंगे। नहीं मैं तो थी ना सामने मैं तो सामने ही थी ना, मैं तो आपके साथ में समाई हुई हूँ, बाकी तो
सभी भाइयों को जो भी आए हैं, सभी वो जगदीश जैसे खुश हो रहा था, इतने सब भाई बहने आ गए, इतने सब आ गए, ये तो मुझे बहुत पुण्य का रिस्पान दिया है, स्नेह दिया, मतलब दिल में जैसे नहीं एक एक के लिए आवे, इतना किया है जैसे, ये बहुत उनके शिकल से लग रहा था, ये था संदेश। ओम शांति। ज्ञान सरोवर में रुकी हुई है, उन सब के भोजन की व्यवस्था ज्ञान सरोवर में है, कृपया वे सभी ज्ञान सरोवर में जाकर भोजन पान करेंगे, फिर वापस शांतिवन जाकर के ठहरेंगे। दादी आप देंगे? मैसूर ग्रुप की बहनें भाई बड़े डाइनिंग हॉल में पहुंच जाएं भोजन खिलाने के लिए। और ये संदेश जगदीश भाई जी के बारे में बताया था वो छपा हुआ है, सभी लेकर के जाएंगे। सभी को ध्यान में रहे संदेश, जो पहले के दो संदेश हैं और दादी जी दादी गुलजार जी ने जो पहले जगदीश भाई जी के बारे में कल सुबह बताया था वो संदेश सबको बाहर मिलेगा। बाकी भोजन का सबको स्पष्ट हो गया होगा, ज्ञान सरोवर से आए हुए सभी ज्ञान सरोवर में और बाकी सबका यहाँ भोजन है, और शांतिवन से आए हुए भोजन करके शांतिवन में जाकर ठहरेंगे, ज्ञान सरोवर से आए हुए सभी ज्ञान सरोवर जाकर भोजन करके वहाँ ही ठहरेंगे।